वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि कोरोना वायरस कहां से आया ये जानना बेहद जरूरी है। इस पर WHO का रुख बिल्कुल साफ है। टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वायरस का सोर्स पता चलने पर भविष्य में ऐसी महामारियों को रोकने में हमें मदद मिल सकती है। WHO के DG टेड्रोस ने कहा कि हम इसका सोर्स जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए चीन के वुहान से स्टडी शुरू की जाएगी, पता करेंगे कि वहां क्या हुआ था। ये भी देखा जाएगा कि किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते क्या हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अब यूरोप में हो रही हैं, जहां रोजाना 3,000 से 4,000 लोग कोरोना संक्रमण से दम तोड़ रहे हैं। UK, इटली, पोलैंड, रूस, फ्रांस समेत 10 देश ऐसे हैं जहां रोज 100 से 700 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 48 देशों में अब तक कोरोना संक्रमण से 3,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना हो रही मौतों में दूसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका और तीसरे नंबर पर एशिया है। नॉर्थ अमेरिका में हर दिन 1500 से 2000 मरीजों की मौत हो रही है, जबकि एशिया में रोज 1400 से लेकर 1800 लोग इस महामारी से मारे जा रहे हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शस डिजीजेस के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फोसी ने कोरोना की लगातार दूसरी लहर आने की चेतावनी दी है। एक प्रोग्राम में फोसी ने कहा कि अचानक कुछ बदलने वाला नहीं है, हालांकि अभी भी देर नहीं हुई है। लोग थैंक्सगिविंग की छुट्टियां मनाकर घर लौट रहे हैं। सभी मास्क पहने, बड़े ग्रुप ना बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। फिलहाल अमेरिका में सबसे ज्यादा 50 लाख एक्टिव केस हैं। फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख है। इटली में तकरीबन 8 लाख, ब्राजील में 5,63,000 एक्टिव मरीज हैं। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या तकरीबन 4.5 लाख है। दुनिया में अब तक कोरोना के 6,31,64,883 मामले आ चुके हैं। 14,66,027 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना अपनी कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अमेरिका और यूरोपियन रेगुलेटर्स को अप्लाई करने जा रही है। आखिरी स्टेज के ट्रायल के बाद कंपनी ने दावा किया है कि ये वैक्सीन कोरोना से लड़ने में 94% तक कारगर साबित होगी। मॉडर्ना कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन बेंसेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है और सब ठीक रहता है तो इसका पहला डोज 21 दिसंबर तक दिया जा सकता है। मॉडर्ना ने ये वैक्सीन US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मदद से तैयार की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस खबर पर खुशी का इजहार किया है। बेंसेल ने कहा कि 2020 के अंत तक mRNA-1273 वैक्सीन के अमेरिका में तकरीबन 2 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। कंपनी 2021 तक 50 करोड़ से 1 अरब तक डोज बनाने की तैयारी कर रही है। एक शख्स को वैक्सीन के 2 डोज की जरूरत होगी, यानी इस साल 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।